Hello students, how are you? I hope Ap Sabilok se honge and today we are going to start a new chapter uh, which is about Lakshadeep. It is given on page number 61 in your English literature book. So let's start. What makes islands and beaches such a great gateway? Why do countless people flock to tropical islands and beaches? Well, the only way to find out is to see these islands for yourself. राइटर कह रहे हैं कि ऐसी क्या बात है आइलैंड्स में जहाँ पे लोग इतने ज़्यादा मतलब तादाद में लोग आते हैं इनको देखने के लिए और इसका जो आंसर है वो तभी मिलेगा जब आप खुद से इनको देखोगे द वर्ल्ड्स मोस्ट विज़िटेड एंड पॉपुलर ट्रॉपिकल आइलैंड आर इन मॉरिशस हवाई एंड मालदीव्स दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे ज़्यादा विज़िट करने वाले सबसे ज़्यादा फेमस जो ट्रॉपिकल आइलैंड्स हैं वो कहाँ पे हैं मॉरिशस में हैं हवाई में है एंड मालदीव्स में है बट वाई लुक सो फार वन वी हैव अ ट्रॉपिकल पैराडाइज इन आवर ओन बैकयर्ड लेकिन हम कहीं और क्यों देखें जब हमारे पास में भी एक बहुत अच्छा सा ट्रॉपिकल एक स्वर्ग है ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया सम टू हंड्रेड किलोमीटर्स अवे फ्राम द मालाबार कोस्ट लाई दी लक्षद्वीप आइलैंड्स हमारी इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट से कुछ दो सौ किलोमीटर की दूरी पर मालाबार कोस्ट के दो सौ किलोमीटर मालाबार कोस्ट से दूर वेस्टर्न कोस्ट पे Uh, पढ़ता है लक्षद्वीप आइलैंड्स द नेम ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कम फ्रॉम संस्कृत इस जगह का नाम इस ग्रुप ऑफ़ आइलैंड्स का नाम संस्कृत से पड़ा है इट मीन्स वन हंड्रेड थाउजेंड आइलैंड और उसका नाम का मतलब क्या है एक सौ हजार आइलैंडस बट डू नॉट लेट द नेम मिस लीड यू लेकिन नाम से मिसलीड मत होना गलती मत करना है क्यों क्योंकि लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कंटेन ओनली थर्टी नाइन आइलैंड क्योंकि लक्षद्वीप का नाम भले ही uh, मतलब करता हो कि वन हंड्रेड थाउजेंड आइलैंड लेकिन एक्चुअल में लक्षद्वीप में सिर्फ थर्टी नाइन आइलैंड हैं आउट ऑफ विच ओनली एलेवन आर इन्बिटेड जिसमें से सिर्फ ग्यारह ही हैं जहाँ पर लोग रहते हैं डीज आइलैंड आर अ डाइवर्स पैराडाइज विद बैफलिंग मिस्ट्रीज एंड अनबिलीवेबल अंडर वाटर सरप्राइजेस और जहाँ पे जो लोग हैं जहाँ पे जो डाइवर्स हैं ठीक है जो तैराक हैं उनके लिए तो ये स्वर्ग जैसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं और बहुत सारे अंडर वाटर सरप्राइज़ हैं अंडर वाटर वर्ल्ड जो है वहाँ का वो बहुत अच्छा है वन फैक्ट दैट्स पेक्यूलियर टू मैनी पीपल इज़ दैट आउट ऑफ दोज इलेवन आई ओनली सेवन आर ओपन टू टूरिस्ट एंड ओनली थ्री ऑफ दीज ऑफ टू फॉरन नेशनल्स और एक फैक्ट जो है जो कि बड़ा अजीब है लोगों के लिए वो ये है कि वो जो ग्यारह आइलैंड्स हैं जहाँ पे सारे लोग रहते हैं उन ग्यारह में से फिर भी सिर्फ सात ही ऐसे हैं जो कि टूरिस्ट्स के लिए खुले हुए हैं और सिर्फ तीन ऐसे हैं जो फॉरेन टूरिस्ट्स के लिए खुले हुए हैं ऑन टॉप ऑफ दैट टूरिस्ट नीड्स टू टेक स्पेशल परमिट टू विजिट दैम और टूरिस्ट को स्पेशल परमिट लेना पड़ता है उनको विज़िट करने के लिए दिस में सीम स्ट्रेंज कंसिडरिंग दैट टूरिज़्म मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑन दीज आइलैंड्स ये अजीब लगता है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि टूरिज़्म ही एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है इन आइलैंड्स पे टूरिज़्म से ही पूरा आइलैंड की जो कमाई होती है लेकिन हमें और भी बातें नहीं पता है क्या द आइलैंड आर होम टू कोरल्स ऑफ वेरियर वेरी स्पीशीज शेप्स एंड कलर्स ये जो आइलैंड है यहाँ पर कोरल्स बहुत पाए जाते हैं मूंगा जिसे हम बोलते हैं वो बहुत पाया जाता है अलग अलग स्पीशीज़ का अलग अलग शेप्स का और कलर का अपार्ट फ्रॉम दैट द वाटर सस्टेन क्लेडी क्लेडियोस्कोप ऑफ मेराइन लाइफ मतलब कि बहुत ही uh, अलग अलग और कलरफुल पैटर्न का एक मेराइन लाइफ है मतलब कि अंडर वाटर लाइफ है अंडर वाटर में हमें बहुत अलग अलग कलर के हमें uh, वहाँ पे जीव जंतु देखने को मिलते हैं टूरिज्म इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू प्रिजर्व दीज कोरल स्पीशीज़ एंड अदर मेरीन मेराइन क्रीचर्स एंडमिक टू दीज आइलैंड्स और टूरिज़्म जो है उसको इसीलिए रिस्ट्रिक्ट किया गया है ताकि यहाँ की जो कोरल स्पीशीज है और जो बाकी के पानी के जीव जंतु हैं उनको हम जो कि यहीं रहते हैं उनको बचाया जा सके अनदर कॉजेज़ ऑफ वरी इज़ द फियर ऑफ़ पॉल्यूशन दैट टूरिस्ट माइट कॉज और दूसरा रीज़न ये भी है कि भाई टूरिस्ट के आने से जो पॉल्यूशन होता है उससे बचने के लिए भी लक्षद्वीप पर टूरिज़म को थोड़ा कम रखा गया है हाउ टू गेट टू लक्षदीप आइलैंड कोई कैसे जाएगा लक्षदीप आइलैंड कैसे जाए मोस्ट ऑफ़ दी आइलैंड ऑफ़ लक्षदीप पर वेल कनेक्टेड थ्रू शिप्स विच फ्लाई फ्राम दी मेन लैंड बहुत सारे आइलैंड ऐसे हैं लक्षदीप के जो कि शिप्स से मतलब अच्छे से कनेक्टेड हैं शिप्स से आप जा सकते हो विजिटर्स कैन ऑल्सो गेट फ्लाइट्स फ्राम कोची कोजिकोड एंड बेंगलुरु विजिटर्स को फ़्लाइट्स uh, भी मिल सकती हैं वो एरोप्लेन से आ सकते हैं कोची कोजिकोड और बेंगलुरु से uh, कहाँ तक अगाटी आइलैंड तक जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है नोन एज द गेट वे टू लक्षद्वीप द आइलैंड इज़ जस्ट ओवर फाइव किलोमीटर्स लॉन्ग हालांकि इसको गेट वे टू लक्षद्वीप बोला जाता है लेकिन इस आइलैंड की लंबाई सिर्फ पाँच किलोमीटर लंबी है चलिए बच्चों आज की क्लास में इतना ही आप यहाँ तक पढ़िए ये चैप्टर फैक्ट्स पे बेस्ड है इसलिए हम धीरे धीरे पढ़ेंगे समझते हुए और आई होप कि आप ये समझ पाएंगे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय पढ़ते रहिए टेक केयर